हर मुद्दे से बेबाक बोलने वाली प्रसिद्ध गायिका अनमोल गगनमान अज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है। इस गल की पुष्टि अनमोल के मैनेजर ने की है। इस तो अलावा बलदेव सिंह जैतो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि अज मैं बहुत खुशी हुई कि अनमोल गगनमान आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही है। पिछले जून महीने में ही मैं इन्हों के घर इन्हों के पिता योधा सिंह मान जी के सदे से मोहाली विखे गया। आम आदमी पार्टी के नीतियां संबंधी लगभग 2 घंटे गलबात हुई। अनमोल गगनमान काफ़ी प्रभावित हुई। मैं दिल्ली तक भी गल पहुँचा दी सी। आखिर में उन्होंने कहा कि पार्टी में लियान का तुहाड़ा योगदान वध होगा। दस दिए कि अनमोल गगनमान हमेशा ही अपने गीतों राही किसी न किसी मुद्दे पर गल जरूर करती है। इस तो अलावा वह बिना डरे हर मुद्दे पर बेबाकी बोलती है और अपना पक्ष रखती है, भावें वह मुद्दा सियासत न ही क्यों ना जुड़ा हो। दसणयोग है कि कोई पहली बार नहीं जो कोई सैलीब्रिटी सियासत में कदम रख रहा हो। इस तो पहला भी सनी देओल, इरफान पठान, हंसराज हंस वर्गे कई ना सियासत के नाल जुड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी। केंद्रीय मंत्री बीबा हरसिमरत कौर बादल ने देश के प्रधानमंत्री वालों देश को आत्मनिर्भर बनाने लई स्कीमों का ऐलान किया। इस आत्मनिर्भर तहत सब्जी के फल काश्तकारां लई फूड मंत्री ने वड्डा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुण सारी सब्जियों के फलों से सबसिडी का लाभ मिलेगा। मंत्रालय वालों उत्पादन खेत्र तो वड्डे खपत केंद्र तक फसलों की आवाजाई के नाल भंडारण लई भी 50% तक सबसिडी दी जाएगी। किसानों से संबंधित संस्थानों को आत्मनिर्भर भारत की यह लाहेवंद योजना का लाभ लेना चाहिए। इस संबंधी उन्होंने अपने फेसबुक से पोस्ट पा के जानकारी दी है। उन्होंने कहना है कि फल और सब्जियों के काश्तकारों को तालाबंदी कारण पैदा हुई दिक्कतों से बचाने और फसलों की कटाई तुड़ाई तो बाद होने वाले नुकसान को घटाने लई फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज और आलू दी फसलों को वधा के फल और सब्जियों ने सारिया फसलों को इस अधीन ले लिया गया है। बीबा बादल का कहना है कि पहला टमाटर, आलू ते प्याज ते सबसिडी मिलती सी, पर हुण सारिया सब्जियों के फलों ते सबसिडी का लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी।